नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंभागढ़ी, राम राम साहब, सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं एंड इट्स एन ऑनर टू हैव रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायण सर। बहुत लोगों को पता नहीं है कि सर बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। यस, ही इज अ प्रोफेसर एट IIT मद्रास, ही इज अ स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एनालिस्ट एट द सेम टाइम। बहुत सारे आपको टीवी चैनल्स में सर के बाइट्स दिखते हुए नजर आएंगे, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक एंड लॉट ऑफ अदर चैनल्स। सर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैक फॉर डिफेंस डील्स, वेपनरी, आर्मी, बिकॉज ऑब्वियसली सर वहीं से है। तो अभी मुद्दा थोड़ा गरमाया हुआ, अजीत डोवल ने धड़ाधड़ 80 बिलियन की डील साइन करने की तैयारी चल रही है एंड द एंटायर डील हैज फुटप्रिंट्स ऑफ अजीत डोवल, द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। आई थिंक जेम्स बॉन्ड कहना इंसल्ट होगी सर की, ही इज बेटर देन दैट रादर, क्योंकि जेम्स बॉन्ड इज ओनली इन फेक, नॉट इन रियल, व्हाइल वी हैव अ लिविंग लेजेंड विद अस। जी, ओवर टू यू सर, ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कीपिंग चाइना एंड पाकिस्तान इन माइंड। जी सर, थैंक यू वेरी मच गायत्री दी फॉर गिविंग मी चांस टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म। और आपने सही फरमाया, अजीत डोवल जी को जेम्स बॉन्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जेम्स बॉन्ड आधे मिनट सर्वाइव नहीं करेगा। कि जैसे ही स्पाइंग का जब होता है, जैसे ही बंदे का नाम पता लग जाता है, वो ख़त्म है, उसके बाद डेस्क जॉब में ही बैठ सकता है वो। ये ही इज मच मच मोर एंड बियॉन्ड व्हाट ही डज, एंड लाइक आई वाज टेलिंग ऑफलाइन बिफोर टू यू, आई एम एन एडमायरर ऑफ थ्री पीपल एज फार एज इंडियाज रिलेशंस अब्रॉड आर कंसर्न एंड हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट टू इम्प्रूव इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अजीत डोवल जी एंड हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, इन्होंने जिस तरह से हमारे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क को बढ़ाने का कदम उठाया है, बीड़ा उठाया है, ये इसके पहले मैंने आज तक कभी किसी गवर्नमेंट में देखा नहीं। और जो इन्होंने अभी किया है, हम कहते रहते हैं कि देश की तरक्की तभी हो सकती है जब आप स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें आप लीड लो, इसमें आप कुछ करके दिखाओ। और इसी के ऊपर तीन डील हैं, तीन मेजर डील्स हैं, बाकी छोटे छोटे निकल के आते हैं। एक ICET बोलते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। हम फौज में इसको इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि ये आप जिस तरह से काम करते हो उसको डिसरप्ट करके रख देगा। अब ये जेट इंजन का आपने दिया है, तो ये बता दूं कि आज की तारीख में संसार में केवल 4 कंट्रीज हैं जो जेट बना इंजन बना सकते हैं, US, UK, फ्रांस और रशिया। ये डील जो है GF414 MN6 इंजन का, ये खास इंजन है जो लेटेस्ट F-18 एयरक्राफ्ट है US का, उसमें इस्तेमाल होता है। और ये सब आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आपके आत्मनिर्भर भारत में इंडिया में बनेगा, तो इंडिया पांचवा देश हो जाएगा जो जेट इंजन बनाता है। हमने शुरू किया था कावेरी 1, कावेरी 2, कावेरी इंजन्स का, बट देर इज वहां पे एक टेक्नोलॉजिकल हर्डल आया था जो हम पार नहीं कर पा रहे थे। अब ये सारा कुछ जो आपने लिस्ट करके दिया है, उससे ये होगा कि आपको आपके टेक्नोलॉजी को फायदा होगा और आगे चल के आप इससे बेहतर इंजन अपना बनाना शुरू कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें Serial 3 है, रिपेयर टेक्नोलॉजी फॉर टर्बाइन्स। जेट इंजन्स में टर्बाइन्स ही मेन चीज होता है जो थ्रस्ट बढ़ाता है आपका। तो आपका MRO हब आप बना सकते हैं, MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का हब इस इंजन्स के लिए। तो इसके इससे क्या होगा कि जो भी जी इंजन्स आपके इस रीजन में बनते हैं वो आपके पास आ जाएंगे रिपेयर के लिए। जो MRO हब बनाते हैं चीजों के लिए, ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है, जल्दी आपको आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ आगे चल के आप इंजन बना पाएंगे, वो 8-10 साल लगेंगे आपको टेक्नोलॉजी में आगे बनाने के लिए, क्योंकि आपको मेटलर्जी का मशीनिंग कैसे करना, मेटल मशीनिंग ऑफ पाउडर मेटलर्जी, पॉलीमर मैट्रिक्स, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा कि एडवांस्ड मेटलर्जी जो बोलते हैं, एडवांस्ड पॉलीमर्स वगैरह का, वो सारा आपको टेक्नोलॉजिकल लीप मिल जाएगा। जो जहाँ पे आप खड़े, आप 8-10 साल आगे निकल जाएंगे। तो ये एक बहुत अहम डील है और मिर्ची तो दोनों तरफ लगेगी, खासकर चाइना को।
चाइना अभी भी इंजन के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है, उसके इंजन जो भी बनाता है वो उसमें थ्रस्ट नहीं मिलता, अंडर पावर्ड होता है उसका, और अगर उसको पावर सही चाहिए तो ही हैज टू डिपेंड ऑन रशिया। और ये डील साइन होती यहां बनने पर, मिर्ची तो सबसे ज्यादा चाइना को लगेगा कि आप आत्मनिर्भर हो जाओगे एज फार एज योर एयरक्राफ्ट इंजिन आर कंसर्न, और आपके एविएशन इंडस्ट्री, सिविल एविएशन इंडस्ट्री को भी काफी मदद मिलेगा इसमें से, क्योंकि ये इट्स अ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, इट्स अ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। तो आप अभी हम बोइंग एयरबस के पीछे जा रहे हैं, आप भी अपने एयरक्राफ्ट बना सकते हैं जैसे ब्राजील बनाता है अपने एम्ब्रेयर वगैरह, आप भी बनाना शुरू कर दोगे क्योंकि अब आपके पास जेट इंजन टेक्नोलॉजी है। बॉडीज वगैरह तो हमारे काफी कंपनीज हैं जो बना के भेज रहे हैं आज भी, बोइंग को सबको फ्यूजलाज और ये वो पार्ट्स वगैरह काफी हम लोग बना के जा रहे हैं। ये जैसे मिल जाएगा आपको तकरीबन एयरक्राफ्ट पूरा बनाना कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था ICET वाला इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें खास करके जो ये स्टेप्स लेने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, अब किसी के ChatGPT वगैरह भी अभी इवॉल्विंग ही है, वो दो चार जो गूगल में उसको मिल जाता है तो उसी को लेकर रिपीट करता है, उसके जो ऊपर का पैराग्राफ है दो तीन पैराग्राफ के बाद उसी पैराग्राफ को रिवर्ड करके रिपीट कर देता है। तो जो एक दो चैट GPT के साथ मैंने निकाला था तो उसमें ये निकला है कि इट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, वो हमें मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। AI में क्या है, इनपुट है आउटपुट है, बीच में आपका डेटा होता है जिसके अंदर वो लूप घुमा के देखता है कि मैंने क्या करना है, जितना ज्यादा लूप करेगा उतना बेहतर आपको आउटपुट आएगा। मतलब आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, किसी भी एक्टिविटी में आप AI यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा डेटा चाहिए। US एक कंट्री है जहां पे एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड में अलग अलग जगह उन्होंने डेटा सेंटर्स बनाए हुए, गवर्नमेंट का अलग प्राइवेट का अलग, हमने भी उसी तरह से डेटा सेंटर्स बनाने, तो इसमें मदद आएगा हमको। और इसी का फॉलोआउट आता है बिग डेटा एनालिटिक्स कि भाई ये इतना बड़ा डेटा आता है तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, अभी कई कंप्यूटर्स लगाने पड़ते हैं ये एनालिसिस करने के लिए। तो इसका अगला कदम है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, सिंपल है, आपके पास एक चिप है जो एक गेट का काम करता है, या तो जीरो है या वन है आज के कंप्यूटर में, क्वांटम कंप्यूटिंग में वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होता है या टेंडिंग टुवर्ड्स वन होता है, और टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो टेंडिंग टुवर्ड्स वन ये कैलकुलस में आता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कहाँ तक है और टेंडिंग टुवर्ड्स वन कहाँ तक है। तो अगर उसी टेंडिंग प्रोबेबिलिटी के अंदर में 4-5-6 हिस्से कर दूं तो वो वही चिप मेरे को 6 गेट का काम कर देंगे, अलग अलग तरह का काम कर देंगे, तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो जाता है। जो सुपर कंप्यूटर्स अभी इतने बड़े बड़े हैं उनके साइज कम हो जाएंगे, बट दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। चाइना बहुत फेंकता है कि मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग सैटेलाइट ऊपर भेज दिया, पता नहीं क्या भेजा है ऊपर, वर्ल्ड ओवर इट्स स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम बिट्स एंड बाइट्स को समझते हैं, क्यूबिट्स अभी समझे नहीं है, क्वांटम बिट्स को क्यूबिट्स बोलते हैं, वो अभी समझ रहे हैं लोग कैसे करना है। नेक्स्ट उसको तड़प इसलिए होगी क्योंकि अब चिप मेकिंग इंडिया में आने वाला है, सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग, और लीडिंग फॉक्सकॉन तो आ ही रहा है क्योंकि वो एप्पल के साथ आपके तरफ आ ही रहा है, उन्होंने अपने दुकानें बंद कर दी हैं चाइना में, दुकानें बंद करके यहाँ शिफ्ट कर गए हैं पूरा, जो लिथोग्राफ मतलब जो चिप के ऊपर राइटिंग करते हैं, ASML इज दी ओनली कंपनी नेदरलैंड्स में जो बनाता है वो बना के आपको देता है। अभी ये डील साइन हो जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगा। और US का एक और है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, तो फॉक्सकॉन और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी चिप्स इंडिया में बनाएंगे और आपको चिप्स बनाने के लिए वो कंपनी से आपको लिथोग्राफ मिल जाएगा, चिप के ऊपर आपका पूरा जो कनेक्टिविटी का बनाना पड़ता है तो वो लेजर के साथ बनाता है, वो ही बनाते हैं। और चाइना को बंद हो गया तो आग तो लगेगी ऊपर, बिकॉज हालांकि US वेस्ट डीकपलिंग नहीं बोलते हैं क्योंकि
अच्छा नहीं लग रहा था कि चाइना तड़प रहा है, तो उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, दो तीन, डी रिस्किंग, फ्रेंड शोरिंग, रिस्क शोरिंग, और सॉरी नियर शोरिंग। ऐसा कोई बात नहीं, वो यू नो मतलब वही है, मतलब वही है अल्टीमेटली कि भाई डीकपल करके आना है बाहर। एंड मेन चीज है कि आपको हब बनाना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, आपको हब बनने वाला है, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, 5G 6G 7G, तो उससे लिंक्ड आपका मोबाइल भी आता है, उसी से लिंक्ड आपका स्पेस में, अभी इंडिया नाविक के ऊपर जा रहा है, तो नाविक के लिए आपको अपना हैंडहेल्ड मोबाइल और सारा कुछ चाहिए, और नाविक का इंटरकनेक्टिविटी विद GPS, तो नाविक इज रीजनल, द मोमेंट यू हैव इंटरकनेक्टिविटी विद GPS इट बिकम्स ग्लोबल। और चाइना का बेदू अभी लग रहा है, अगर आपका इंटरकनेक्टिविटी हो गया तो साल दो साल के अंदर तो आपका ग्लोबल फुटप्रिंट हो गया। तो इसके साथ इन्होंने एक डील और साइन किया है कि छह इंडिया के छह टेक्नोलॉजिकल हब्स हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल हब्स इज वेयर आई एम एफिलिएटेड विद एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन IIT मद्रास। लोगों को पता नहीं होगा कि लार्जेस्ट स्टार्टअप पार्क इन एशिया लाइज इन IIT मद्रास। इतने प्राइम मिनिस्टर हैज कम एंड सीन इट, एंड ही वाज आल्सो सरप्राइज दैट लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो अबाउट इट, कि कितना काम होता है वहां पे, हर फील्ड में काम होता है वहां पे। अब तड़प लोगों को इसलिए होगी कि 25 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में US हमारे साथ काम करेगा, उनके साइंटिस्ट हमारे साथ काम करेंगे, दैट इज शेयरिंग ऑफ नॉलेज। और वो भी किस में, सेम जो ऊपर ICET का बताया था उसी इसमें, AI, डेटा साइंसेस, बिग डेटा, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, स्पेस, ये सब में आपका सारे आएंगे काम करने के लिए। एंड फाइनली हमारे पास ये इनका MQ-9 रीपर है, UAV, ये दोनों काम करता है, इन ISR का भी, दैट इज इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉग्निशंस का काम करता है, प्लस आर्म्ड भी हो सकता है एंड कैन बी यूटिलाइज फॉर एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के साथ आप फायर भी कर सकते हैं इसको। दो हमारे पास नेवी के पास ऑलरेडी थे सिंस 2020, तो उसका ट्रायल टेस्ट कर रहे थे हम, एक्सटेंशन करते करते, तो ऑल थ्री सर्विसेज हैव एक्सेप्टेड कि हाँ ये अच्छा है, हम यूज कर सकते हैं। 30 का क्लियरेंस हो गया है लास्ट DAC में, जो अभी जब प्राइम मिनिस्टर जी जाएंगे तो ये एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं फॉरेन मिलिट्री सेल्स के लिए। US ने भी हरी झंडी दिखा दी है कि ठीक है, तो 30, दैट इज 10 फॉर ईच। तो अभी पाकिस्तान डरेगा कि हमें अभी जहाज अंदर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी जैसे दो चीज आ गए हैं हमारे पास, एक तो एयर माउंटेड ब्रह्मोस आ गया है जिसका रेंज 400 किलोमीटर है, तो मैं इंडिया में रहते रहते मार सकता हूँ उसको, जहां भी उसका मिलिटेंट्स का हब है कहीं पे भी मार सकता हूँ। ये UAV के साथ भी मैं मार सकता हूँ। ये मतलब आप देख लीजिए कि एक का ऑन साइट एंड्योरेंस रहने के लिए 27 घंटे का है, मतलब एक दिन से ज्यादा रह सकता है वो हवे में, और रेंज कितना दूर जा सकता है, 1900 क्लोज टू 2000 किलोमीटर्स दूर जा सकता है। तो ये सर्किट हो जाता है, मतलब 1000 किलोमीटर जाना, 1000 किलोमीटर आना, आप सर्किट में आप लगा लीजिए, मतलब 1000 किलोमीटर दूर, मतलब तो आप पाकिस्तान ही पार कर गए, चाइना का तो पूरा टिबेट का इलाका कवर हो जाता है, सिंक्यांग का भी काफी इलाका कवर हो जाता है। तो ये उनको थोड़ा डर लगने लगा है, और इसी कारण आप देखिए हीना रब्बानी और इनके सब ने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए कि नहीं नहीं हम तो अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं हम। तो ये जो है, मतलब अगर ये सफल हो गया अच्छी तरह से, ये गेम चेंजर होगा, जैसे वो हम 2005 से 8 के बीच में बोलते थे 1+2+3 एग्रीमेंट का, न्यूक्लियर एग्रीमेंट का, जब US के साथ साइन किया था,
That was a game changer at that point in time. You entered the nuclear fold, or most of the arrangements and agreements mein the, aap usme shamil ho gaye. Ab ye agla game changer hai. Agla game changer ye aa raha hai, jo aage dikhayega dono our northern and western friends ko, I would say friends in inverted commas, ki thoda ab उनको सोच बदलना पड़ेगा इंडिया के बारे में. बट इसके साथ ये है कि मैं हर बार कहता हूं, यूएस इज इन अ कैच 22 सिचुएशन. ये सब डीओडी का पुश है. डीओडी वांट्स कि भाई, क्योंकि इंडो पैसिफिक में उनको क्लियरली पता है, एक देश जो उनके साथ खड़े होके चाइना को रोक सकता है वो भारत है, और कोई देश इस इलाके में उनमें काबिलियत नहीं है. और कई दफा हमने दिखा भी दिया है अकेले खड़े होके उनके सामने. लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट को इससे बहुत दिक्कत होती है. इंडिया राइज कर रहा है, राइजिंग इंडिया एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. वो चाहते हैं अलायंस की वो डिक्टेट करेंगे क्या होना है, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हम डिक्टेट करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, किसके साथ, आपके साथ और किसी और के साथ. उनको इस बात का खलल है बहुत कि हम इंडिया को दबा नहीं पा रहे. तो इसका इसीलिए जो एंटी इंडिया नैरेटिव है, उनके काफ़ी दोस्त हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस हैं, इक्विटी लैब है, कई हैं, उनको छोड़ देते हैं एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने के लिए. अब उनका ये है, ओपनली कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन में मोदी को हराएंगे. अब कितना काबिलियत है उनमें वो देख लेंगे, क्योंकि जनता की शायद हराएंगे तो सर अब खुद से वोट देने आएंगे या फिर यहाँ के लोगों को बदलेंगे. नहीं, वो एंटी इंडिया नैरेटिव बना के, अब वो नैरेटिव बिक नहीं रहा उनका. अब ये क्लियर है कि नैरेटिव बिक नहीं रहा है, क्योंकि इसके पहले इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, रोज रेवोल्यूशन सब किए थे. जॉर्ज सोरोस चुपचाप से था पीछे. पहली बार उसको मीडिया के सामने आना पड़ा और बोलना पड़ रहा है कि मैंने क्या करना है. पहली बार आ रहा है वो जिंदगी में. ये अरब स्प्रिंग वगैरह सब हुआ, कहीं जॉर्ज सोरोस सामने नहीं आया. हाँ, शक होता था कि इसका हाथ है, शक होता था. अभी तो शक की गुंजाइश ही नहीं है, सामने आ रहा है. क्यों? क्योंकि दो डिपार्टमेंट जो हैं यूएस के अंदर ही, उन्हीं में खलल है. डीओडी इंडिया के साथ जाना चाहता है, स्टेट डिपार्टमेंट सोच रहा है कि नहीं, इंडिया के साथ तब जाएंगे जब इंडिया दबेगा हमारे नीचे. अब व्हाइट हाउस ने डिसाइड करना है इस बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करना है. अब जैसे ये एग्रीमेंट साइन होगा, 100% दोबारा एंटी इंडिया नैरेटिव निकल के आएंगे काफी सारे. आप देख लो कनाडा में क्या हुआ, जो 1985 बॉम्बिंग हुआ था, उसका जो मेन सस्पेक्ट था, कि लैक ऑफ एविडेंस के कारण जिसको छोड़ा था, उसके नाम के पोस्टर वगैरह लग गए. अब कश्मीरी राइट्स बॉडी करेंगे, तो ये चीजें आएंगी. और जैसे ही साइन होगा और होगा, और जैसे ही 2004 का इलेक्शंस पास आएगा और शुरू होगा, लेकिन सब फेल हो जाएंगे. क्योंकि आम आदमी जानता है, आम आदमी जानता है कि क्या क्या बेनिफिट मिला है उसको इस 9 साल में. तो ये तो जो हाँ जी जी सर नहीं वो कह रहे थे, जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, एयर कंडीशन कैरवेंस में निकल के जाते हैं, उनको ये समझ नहीं है ना कि भाई लास्ट माइल में जो आदमी बैठा है वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है. उसकी सोच को अगर आपने इंसल्ट किया कहते हुए कि उसे समझ नहीं आता, मतलब आप किस दुनिया में बैठे हैं. डेमोक्रेसी इज नॉट कि भाई आप जो डिसाइड करेंगे वो होगा. डेमोक्रेसी इज व्हाट आम जनता, आम आदमी डिसाइड करेगा. आप डिलीवर करेंगे आप जीतोगे, और डिलीवर हो रहा है एट नेशनल लेवल.
तो सर, ये जो $80 बिलियन की जो डील है वर्सेस द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, भारी कौन पड़ेगा? अगर पीछे हिस्ट्री में डू वी हैव सम एग्जांपल्स? नहीं, इस तरह का एग्जांपल नहीं है। अपना 1-2-3 एग्रीमेंट में तो अपना ही लोग पत्ता काटने पे तुले थे, क्योंकि चाइना की बात सुन के सीपीआई सीपीएम तो गवर्नमेंट गिराने में पड़ गए थे, गवर्नमेंट गिराने में पड़ गए थे। बाकी पार्टियों के साथ मिलके उन्होंने फिर 1-2-3 एग्रीमेंट शुरू हो गया था, ठीक है ना। एंड दैट वाज द वन एंड ओनली टाइम मनमोहन सिंह जी स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट सोनिया गांधी, तो वो भी रेडी थी डंप करने के लिए, तो ही वाज एडमेंट दैट ही विल रिजाइन, एंड सिंस और कोई पपेट उनको मिलता नहीं तो वो मान गई और 1-2-3 एग्रीमेंट हो गया। आज के तारीख में कौन करेगा? स्टेट डिपार्टमेंट एंटी इंडिया नैरेटिव, ये वो, अब वो तो सब सामने ही आ गए हैं। अब वो सुनीता विश्वनाथन का पूरा, आप सोशल मीडिया में चले जाइए, आपको उसका पूरा ग्रिड मिल जाएगा किस किस से मिले हैं। हर्ष मंडेर का पूरा ग्रिड मिल जाएगा किस किस से मिले हैं। जॉर्ज सोरोस का पूरा ग्रिड मिल जाएगा किस किस से मिले हैं, कौन कौन है। जब इन चीजों में अगर ये चीज उभर के सामने आ जाता है ना, फिर आपका जो कुछ भी स्ट्रैटेजी है वो फीका पड़ जाता है, बिकॉज दूसरी पार्टी चौकन्नी है कि आप क्या करने वाले। तो वो अब इसीलिए उनको तड़प होगा, पर स्टेट डिपार्टमेंट करे तो क्या करे? अल्टीमेट जो होगा डिसीशन वो व्हाइट हाउस बोलेगा। अब व्हाइट हाउस के थ्रू तो आपने ओनली हेड ऑफ स्टेट हु इज गोइंग टू नाउ एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस सेकेंड टाइम। एक बार पहले किया था ओबामा के टाइम में, नाउ सेकेंड टाइम। किसी और कंट्री का हेड ऑफ स्टेट को यह मिला नहीं है, एक बार किया होगा, दूसरे बार चांस नहीं मिला। दिस वॉज पुश्ड बाय द व्हाइट हाउस। सो सर, अगर मैं ये कहूं कि दो डिपार्टमेंट्स यूएस के अंदर इस वक्त एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार है, जस्ट बिकॉज मोदी इज गोइंग देयर, वन इज द वन व्हिच वांट्स द बिजनेस डील जो अजीत डोवल हेड कर रहे हैं, एंड द अदर इज द हु डजंट वांट मोदी विजिटिंग देयर। Yes. Now the problem, this is the problem with the democratic government. Democrats में क्या होता है, उनके state department में काफी जो हम कहते हैं ना woke brigade, the woke liberalists, उनका पकड़ वहां पे होता है, और ये सब वो woke वाले हैं। इन्होंने ही शुरू किया था जब ट्रंप विन करके आया था against all odds the post truth. The term they had used was post-truth. तो जब मोदी जी पहली बार आए थे तो हमारे वोक ब्रिगेड भी post-truth करके लाए थे, और वो बंद हो गया जब दूसरी दफा आए थे, तो तमाचा पड़ गया था। अब तीसरी दफे तो कंटाप पड़ेगा, तो वोक ब्रिगेड को तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी भी चल रही हो पैरेलली? हम जिसको देख रहे हैं कि दो डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, दे आर ऑब्वियस है, वन साइड दे वांट टू बिजनेस, द अदर साइड दे वांट टू कीप द हीट ऑन। करेक्ट, दे वांट टू कीप द हीट ऑन, बट हीट ऑन तो हो ही नहीं रहा ना। एसेंशियली व्हाट हैज हैपेंड, द स्टेट डिपार्टमेंट हैज सडनली रियलाइज दैट इंडिया राइजिंग ही नहीं, इट हैज बिकम वेरी पावरफुल। You have become virtually the voice of the global south. China bhi isiliye tadap raha hai bahut. About 150 countries form the global south. Usme se jab aapne voice of global south karke vision ke liye 2020 mein kya karna hai aapne bulaya tha, about I think 123 countries heads of state or their immediate rep had come to attend. 123 आउट ऑफ 150। आप अंदाजा लगा लीजिए, यूएन में केवल 193 कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं एज नेशंस, चार हैं जो अलग हैं, उनको छोड़ दो, नॉन रिकॉग्नाइज्ड रीजन्स हैं जैसे पैलेस्टीन अथॉरिटी एंड ऑल। 123 लास्ट 193rd वाज साउथ सुदान, उसमें से 123 कंट्रीज आर विद यू। That's huge. It can't be wished away. Because today it is the
these countries which provide you the market and which provide you the resources. 123 countries, African, Latin American, everybody are part of that. And if they are ready to follow your leadership, to jo kafi saal pehle bola tha, India is rising to become a swing state. You have become a swing state, and I would stretch my neck out and say you have become a bridge state. Not just a swing. You are the bridge between the global south and global north. And you are also the bridge in the between the West and Russia. You have good relations with the US and the West. You have good relations with Russia. So you are a bridge there and you are a bridge here. And you are also swinging because a word from you can swing a lot of things in the UN. IMF, UN, WTO, sare jitne bhi international bodies hai, WHO, nobody counts WHO by the way after corona, nobody even cares ki what is WHO. Big chuka tha. But the main thing is IMF dekh lo, aap WHO, ye World Bank dekh lo, wo to keh rahe world economy, India ke economy ke upar dependent hai. And India is now saying, I am the voice of the global south, and global south is saying, yes, India will be our voice. You can imagine the power which has come into India, which is the reason why State Department of the US is very worried. Why are they worried? They are not understanding. Hum ye nahi keh rahe hain ki hum aapko ukhaad ke phek denge. That is China's language. Hum keh rahe hain Vasudeva Kutumbakam. Jo desh ke andar kehte the Modi ji ki sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, yehi वसुधैव कुटुंबकम में भी है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. दैट यू शुड ट्रस्ट मी, वी विल ग्रो. एंड पिछले साल तो यूएन जनरल असेंबली में तो दो तीन ने तो बोल ही दिया था यूएन को कि आप तो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हो. वी लुक एट इंडिया एज मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज वी प्रोवाइडेड देम मेडिसिन, वी प्रोवाइडेड देम वैक्सीन, वी प्रोवाइडेड देम फूड ड्यूरिंग कोविड. जो कह रहे थे ओपनली जमैका, घाना, ये सब कह रहे थे कि भाई ये तो आपने करना था, आपने कहां किया. यूएन वाज मिसिंग इन एक्शन ड्यूरिंग कोविड. इंडिया स्टेप्ड अप एंड गेव अस व्हाटएवर इट कुड. दे वर आल्सो सफरिंग, सो व्हाटएवर इट कुड इंडिया गेव. दैट इज द ट्रस्ट. दैट इज वेयर ट्रस्ट कम्स, दैट यू डिडंट आस्क एनीथिंग इन रिटर्न. जब चाइना देता है तो बोलता है मैं दूंगा, तो आप ताइवान का रिकग्निशन निकाल दो, फिर मैं दूंगा. इंडिया ने कोई कंडीशन नहीं रखा. यू आर सफरिंग, ये लो वैक्सीन, ये लो मेडिसिन, पीपी सूट चाहिए आपको, ग्लव्स चाहिए, ये लीजिए, आपको खाना चाहिए, ये लीजिए. दैट इज देयर वरी, विच आई फील इट विल टेक देम टाइम टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज द वे दे हैव ऑल्सो फंक्शन. But coming back to the deal, sir, because, you know, something very close to my heart, and especially Ajit Doval ji leading it, to makes it. Is there something unique and something very particular of which China and Pakistan should be afraid of? Because there are certain very high level weaponries and AI, quantum computing. These are two things jisse China jooj raha. They also realize the Indians have a lot of brains. Americans also realize that. इन चीजों में काफी ब्रेन है. तो अगर उनके लेवल जहां पे वो पहुंचे हैं वो हमारे साथ बैठ के काम करेंगे, तो यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन. चाइना विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सेमीकंडक्टर्स अभी उसको नहीं मिल रहे हैं, कार्स कंपनीज वह छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज आज के मॉडर्न कार्स में काफी सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं. अब चिप्स बनना बंद हो जाएगा वहां पे, तो कहां से आएगा, कोई देने को तैयार नहीं है वहां पे. Economically, it's going to be already it's a very big hit. Because when you see their videos which come out from there, sab band ho gaya hai. To China ko to hit hai hi hai. Pakistan, yes. But Pakistan, to I look at it as a chota phunsi type hai, pinprick type hai, aur kuch nahi bacha aaj ki tarikh mein. Khane ko kuch nahi. Abhi bhi bahut dard karta hai, to chota sahi, par dard jyada karta hai. Nahi, wo to hai, but हम डील कर सकते हैं ना उसके साथ. अभी क्या है उसके पास, वो खुद ही आप देख लो
तीन फ्रंट से वो खुद लड़ रहा है। इंडिया को टू फ्रंट देना चाहता था, चाइना के साथ कर रहा था, ढाई फ्रंट की इंडिया के अंदर करेंगे, उसके खुद का एक वेस्टर्न फ्रंट है। अब तालिबान 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 के, अब तालिबान ही कंटाप मार रहा है उसको कि ड्यूरेन लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो वेस्टर्न फ्रंट हो गया उसका, ईस्टर्न फ्रंट इंडिया के साथ तो उसने खोला ही हुआ है, अब इंटरनल फ्रंट भी हो गया। अब तड़प उसको ये बात है कि पहले तो केपी कराची सिंध बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होता था, वो कोई शोर शराबा नहीं होता था क्योंकि पंजाब वो स्टेबल। आज के तारीख में पंजाब इज ऑल्सो अनस्टेबल, जब ही आवाजें निकल के आ रही है। प्रॉब्लम ये है उनका खास, आई एम वरीड अबाउट देयर आर्मी ऑल्सो। 86 से जिया के टाइम से इन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम को जिहादी एजुकेशन कर दिया। इनके मदरसे एंड ऑल देयर स्कूल्स एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल एलीट जो वेरी रिच स्कूल्स और बाहर पढ़ के आते हैं वो पढ़ के आ जाते हैं, बाकी सब तो यही पढ़ रहे हैं। उसमें आप कह रहे हो कि शरिया इज वेरी गुड, शरिया इज वेरी गुड, और कह रहे हो कि भाई ये जो शरिया के लिए जिहाद करते हैं ये हमारे हीरोज हैं। अब आप रैंक एंड फाइल को बोलो कि जाके लड़ो, लड़ेगा वो तो खुल के बोलेगा यार वो तो शरिया मांग रहा है और कुछ तो मांग ही नहीं रहा, मैं क्यों मारूं। दो महीने पहले अप्रैल के महीने में इनके चीफ ने बोला था और एनएससी के कमीशन ने बोला था वी आर लॉन्चिंग ऑपरेशंस इन केपी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रहा हूं आज तो ही इज बर्निंग इन हिज ओन स्टू, सो लेट अस वेट एंड वॉच हाउ मच मोर ही बर्न्स। Sir, you were mentioning a very exclusive, what do you say, equipment, no, MQ-9 Reaper. MQ-9. Yeah. Yes. This is a very potent weapon. ये MQ-9 Reaper इसका latest version जो अभी ला रहे हैं, इनको Predator भी drones भी बोलते हैं। This is Mark 2, जो MQ-9 Mark 1 था, ये Mark 2 है, जो इसका 30 अभी हमारे पास आने वाला है। दो ऑलरेडी नेवी के पास था ऑन लीज, 2020 से यूज कर रहे हैं, एंड ऑल थ्री सर्विसेज हैव फाउंड इट टू बी वेरी इफेक्टिव, एंड 30 ले रहे हैं, 10 फॉर ईच सर्विस। देयर आर सम रिपोर्ट सेइंग 31 भी ले रहे होंगे, तो वन मोर दे मस्ट बी कीपिंग फॉर इंटरनल, फॉर पुलिस एंड अदर्स हु रिक्वायर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। But this is very potent in the sense it has an endurance of 27 hours, मतलब एक दिन से ज्यादा। रेंज है 1900 किलोमीटर्स, दैट मीन्स 950 किलोमीटर दूर तक जा सकता है ये। टर्न अराउंड 1900 किलोमीटर्स, तो जहां बेस है वहां से 950 किलोमीटर्स जाना और आना। एंड सर्विस सीलिंग ऑपरेशनली 7500 मीटर्स, बट सर्विस सीलिंग इज 15,000, मतलब सियाचिन को छोड़ के नीचे के इलाके पूरे में सब तरफ आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, बाकी सब इलाके में। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट वरीसम फॉर बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना ने अपना बनाया हुआ है, बट इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल। विंगलून वगैरह 1-2 करके बनाया हुआ, इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल। बट दिस इफ इट कम्स एंड इफ इसके साथ टीओटी भी आ जाता है, तो आर ओन जो हम यूएवीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं रुस्तम सीरीज एंड ऑल, उसको भी काफी टेक्नोलॉजिकल पुश मिल जाएगा इसमें से। सो इट इज नॉट जस्ट द बाइंग ऑफ दीज, इट इज द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन दैट यू विल गेट विच यू कैन यूटिलाइज फॉर योर ओन इंडस्ट्री, दैट गिव्स इट अ पोटेंसी। एंड ये मतलब ये इकलौता नहीं है इन द सेंस दैट हमारे प्राइवेट सेक्टर में काफी ड्रोन्स वगैरह बनते हैं, एंड अ लॉट ऑफ दीज ड्रोन्स आर कमिंग इन अ बिग वे, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स एंड अदर थिंग्स काफी आ रहे हैं इन अ बिग वे। तो ये एक पूरा ग्रिड बन जाता है आपका, आपके सर्वेलेंस सिस्टम के लिए।
सो इट बिकम्स वेरी ईजी देर आफ्टर बिकॉज इसके अंदर एवियोनिक्स अभी वो क्लियरली बोले नहीं है बट आई एम श्योर मल्टी स्पेक्ट्रल रडार्स एंड एवरीथिंग विल बी देयर विच कैन सी थ्रू फॉलिएज एंड अदर थिंग्स देन ऑल दीज मिलिटेंट एक्टिविटीज वेदर आउटसाइड इनसाइड अलॉन्ग दी एल ए सी अलॉन्ग दी एल ओ सी वट एवर मूवमेंट इज देयर उसको पकड़ना आसान हो जाता है. And sir, I'll just go through the list because this is what I got. Repair technology, as you mentioned, is most important. Compression disc and, I mean, these are all machinery. Oh, yeah. These are all technology. Special coating, compression, machining coating, hot end parts. No, these are all the technological advantages that you're going to get to improve your own homegrown technology. Right. So whatever you would notice from our scientists would be able to see कि भाई हम कावेरी बना रहे थे तो हमसे कहाँ चूक हो रही थी right. तब वो गैप को कवर कर लोगे आप गैप को सर एक चीज और हाँ जी नो सर प्लीज वरीज विद द चाइनीज विल हैव इज द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन वो चोरी करते हैं दे हैक एंड स्टील व्हेन यू हैक एंड स्टील अब वो कहते हैं ना कि भाई कॉपी करने में भी अकल की नकल में भी अकल की जरूरत होती है तब वो गैप रह जाता है उसमें. यहाँ पे क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ जब होता है तो एब्जॉर्प्शन के लिए उनके बंदे भी आएंगे यहाँ पे आपको समझाने के लिए तो एब्जॉर्प्शन आ जाएगा आपको समझ आ जाएगा कि आप मैंने गैप क्या किया था क्या गलती आप गलत कहाँ जा रहे थे उसको सही करके फिर आगे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे. Denied visa and that person addresses the US Congress for second time. Right from here till here, the journey is amazing. Yes. And that is why I said woke brigade ko bahut chalegi. That is it. We can sit with the popcorn and enjoy there. Ji. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. सर का ट्विटर हैंडल आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज गो एंड फॉलो हिम देयर. और इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम हर हर महादेव. थैंक यू सर. थैंक यू. जय भारत.